हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में अभी क्या चल रहा है। ओके, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं या नहीं। ओके, और देखेंगे उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। ओके, और आगे क्या हो सकता है इस रिश्ते में, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे आज की रीडिंग में। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, और टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, सभी जोड़ी एक साइन के लिए, और आप सभी लोग देख सकते हैं। ओके, जो भी लोग जिनके भी पार्टनर थर्ड पार्टी में, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है। ओके, और पर्टिकुलर कोई पर्सन हो सकता है, उनका काम हो सकता है। ओके, आप दोनों के बीच में हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स हुई हो। चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जब तक हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है और ख़ुद को रीडिंग के साथ कनेक्ट कर लेना है। चलिए, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। थर्ड पार्टी और हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताइए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाह, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। स्प्रिट हमें बताइए थर्ड पार्टी और हमारे व्यूवर्स के पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। जस्टिस, वाओ, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताइए। ओके, स्प्रिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। हमारे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ओके, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताइए। ओ, काफ़ी कुछ चल रहा है। हाँ, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ओके, देखते हैं क्या कार्ड आया है। थर्ड पार्टी और हमारे व्यूवर्स के पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताइए। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, म्यूचुअल एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते, डिसाइड कर चुके हैं, बहुत जल्दी आपके पास आ सकते हैं आपके पार्टनर मिलने के लिए। थर्ड पार्टी है यहाँ पे, बहुत जल्दी आपके साथ रिश्ता शुरू करेंगे, बैलेंस लेकर आएंगे, ये रिश्ता पूरा हो जाएगा। आपके पार्टनर आकर आपसे इस रिश्ते में एक चांस मांगेंगे। पेज ऑफ सोर्स आपको स्टॉक कर रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये बॉटम की एनर्जी है। अगर आप नहीं सो पा रहे हैं रात को, तो आराम से सो जाइए, शांति से। परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, कुछ कार्ड जोड़ लेते हैं हम। हाँ, स्प्रिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ओके, ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए, और लेकिन अब आपके पार्टनर ना वापस आएंगे, जिस तरह से आप वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, आपके पार्टनर भी वेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए बहुत प्यारे से कार्ड्स आए हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप दोनों ने काफ़ी अच्छा समय स्पेंड किया एक दूसरे के साथ में, काफ़ी अच्छा टाइम था, काफ़ी लंबे समय तक भी रिश्ता चला, 2 साल भी हो सकते हैं, 1 साल भी हो सकता है। लेकिन आपके पार्टनर ने अचानक से आपके साथ रिश्ता जब ख़त्म किया, तो वहाँ पर थर्ड पार्टी आ चुकी थी। थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है और कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, वो उनका कार्मिक है, ठीक है। बहुत जल्दी थर्ड पार्टी उनके साथ छोड़कर उनको चले जाएगी, देखिए इस तरीके से चले जाएगी,
जिस तरीके से एंजल स्वर्ड्स उठाकर भाग रहे हैं, ठीक है, वैसे ही एक बहुत जल्दी वो समय आ रहा है जब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़कर भाग जाएगी। आपके पार्टनर को लगेगा उन्हें जस्टिस चाहिए, ठीक है, थर्ड पार्टी को लगेगा या आपके पार्टनर को, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़कर जाएगी, इसलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं कि आपके पार्टनर को लगेगा जस्टिस चाहिए। उसके बाद में अगर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बातचीत होती है, थर्ड पार्टी वापस ऑफर करती है या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को ऑफ़र करते हैं, दोनों एक दूसरे का ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर का ध्यान फिर जाएगा आपके ऊपर, आपके साथ बिताए हुए वक्त के ऊपर। यहाँ पे कप्स की एनर्जी, तो आपके साथ आपने जितना प्यार किया है उस सब के ऊपर आपके पार्टनर का ध्यान जाएगा। फिलहाल आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ सेपरेशन के बाद में अगर उन दोनों के बीच में फिर एक बार बात होती है तो उनका ऑफ़र एक्सेप्ट, दोनों ही एक दूसरे का ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर है एट ऑफ सोर्स की एनर्जी, आपके पार्टनर अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्यों बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्योंकि थर्ड पार्टी ने तो उन्हें धोखा ही दिया है, उन्हें छोड़कर चली गई हुई है थर्ड पार्टी, या चला गया है, मतलब एनर्जी सभी के लिए है। सिचुएशन ऐसी है कि ना तो आपके पार्टनर आपके पास आ पा रहे हैं, ना थर्ड पार्टी उनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है, तो आपके पार्टनर इस कंडीशन में है अभी, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा, उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा, उनको वो इस सिचुएशन से निकल ही नहीं पा रहे हैं कि अचानक से उनके साथ क्या हुआ। थर्ड पार्टी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि वो कुछ अच्छा डिज़र्व करती है या अच्छा डिज़र्व करता है, क्योंकि आपके पार्टनर जिस तरीके के इंसान हैं उनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कुछ नहीं होते हुए भी बहुत कुछ समझना, अपने आप को हमेशा अच्छी चीज़ों की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं आपके पार्टनर, किसी भी छोटी चीज़ में सेटिस्फाई नहीं होते हैं। मतलब अगर आपने उनको कुछ गिफ्ट दिया तो वो हमेशा अच्छे बड़े गिफ्ट की ही आपके साथ उम्मीद रख के बैठे होंगे। हालांकि आपने काफ़ी गिफ्ट दिए होंगे उनको या फिर काफ़ी उनकी हेल्प की होगी, लेकिन उनको ऐसा लगता था हमेशा मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ डील करूं जो मुझे अच्छे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे, या फिर जैसे मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं वैसा रहे। मतलब कोई इतना भी, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है ना कि पूरे दिन आपके साथ चिट चैट करते रहे, तो वो उम्मीद थी आपके पार्टनर को को थर्ड पार्टी के साथ। लेकिन थर्ड पार्टी के किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से इरिटेट होके दूरी बना ली है, तो आप एकदम खुश हो जाइए। अब आपके पार्टनर ना दूर से देखते हैं थर्ड पार्टी को, और आपको किसी के पास भी नहीं आ सकते क्योंकि थर्ड पार्टी ने उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, वो थर्ड पार्टी छोड़कर चली गई, उनका ऑफर तो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आपके पास आने के लिए उन्हें अच्छी खासी हिम्मत चाहिए होगी, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है, आप आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ रही हैं। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरे पार्टनर को आना है तो आ ही जाएगा। कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं और अपने करियर पर अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे, कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो आगे बढ़ चुके हैं, सेल्फ लव करना सीख चुके हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ये एनर्जीज बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी इस स्थिति में नहीं है, ना तो वो कहीं भी ध्यान नहीं दे पा रहे। उनका तो ब्रेकअप हुआ है थर्ड पार्टी के साथ में। थर्ड पार्टी देखिए कोई भी हो सकती है, हो सकता है फैमिली हो सकता है कोई एक पर्सन हो, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, बहुत प्यार से ऑफर किया था आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को, ठीक है, या थर्ड पार्टी ने आपको इम्प्रेस करने की कोशिश की थी, दोनों का ही कुछ भी नहीं हुआ और वो थर्ड पार्टी छोड़कर चली गई। मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी फाइनेंशियली आपके पार्टनर से, या आपके पार्टनर फाइनेंशियली उस थर्ड पार्टी के साथ अट्रैक्ट हुए थे, उन्हें लगा था मैं बहुत कुछ अचीव कर लूँगा या मैं बहुत कुछ हासिल कर लूँगा या कर लूँगी, मेरी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी, लेकिन उनको नहीं पता था कि ऊपर वाला जो सोचता है या करता है वो बहुत अलग तरीके से करता है। यहाँ पर साफ है कि या तो थर्ड पार्टी की फैमिली ने आपके पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं किया, या आपके पार्टनर की फैमिली ने थर्ड पार्टी को भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो यहाँ पे फैमिली इश्यूज भी होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम अब आपके लिए बात की जाए कि आपके लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर, तो देखिए आपके पार्टनर वापस तो आना ही चाहते हैं। वो ये जानते हैं कि आपको हैंडल करना अब ईजी नहीं होगा, आपके दिल और दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपके पार्टनर को देना पड़ेगा, लेकिन आपके पार्टनर एकदम पॉजिटिव होके आएंगे। आप लियो या सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो हो सकते हैं, लेकिन ये रीडिंग सभी के लिए है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो गुस्सा है वो एक बहुत ऊपर के लेवल पर है, लेकिन आप लोग शांत रहिएगा, ओके, क्योंकि आपके पार्टनर जब आएंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो डांट कर बिल्कुल ही हटा देंगे अपने पार्टनर को लाइफ से, या फिर कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो उनकी माफ़ी मांगने से अपने पार्टनर को माफ़ कर देंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे अपने पार्टनर के साथ में। जो लोग ऐसा करते हैं गाइस, आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ,
कि आंखें बंद करके भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि जो इंसान एक बार धोखा कर सकता है वो दूसरी बार भी धोखा कर सकता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रिंसेस ऑफ कॉइंस, आपके पार्टनर आपको पूरी तरह से यहाँ पे मना लेंगे, प्यार से आपको गिफ्ट्स देकर कुछ भी करके, हालांकि वो थोड़े लालची टाइप दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन आपको मनाने में वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आपको आकर वो कमिटमेंट देंगे क्योंकि आपके लिए एकदम पॉजिटिव हो रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है यहाँ पर, आप दोनों वापस एक साथ होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है जो हमें बताती है कि आपके पार्टनर अगर आपको थर्ड पार्टी की वजह से ब्लॉक कर दिया था तो वो अनब्लॉक करेंगे। कॉल मैसेज भी आ सकता है। ये कार्ड तो सभी को बहुत अच्छे से पता है, एट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी होती है, कॉल मैसेज रिसीव करेंगे, आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो सकती है। ओके गाइस, मैंने अभी 10-10 देखा है, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर कार्मिक्स को छोड़कर अब आपके साथ आएंगे और आप दोनों एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। ओके, तो गाइस आपको क्या करना है, आपको एकदम पॉजिटिव रहना है, खुद पर ध्यान देना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहना है। आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी से तो एंडिंग्स बहुत जल्दी हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं हो रही है तो कुछ समय में उन दोनों के बीच में झगड़े ज़रूर होंगे, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ के चले जाएगी, ठीक है। यही आपको मैनिफेस्ट भी करना है। ओके, तो ये थी आज की हमारी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पर मेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।